बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरेबिया जद्दा, इस वक्त मैं अज़ीज़ मॉल में बैठा हुआ हूँ, हैपर पांडा में यानी कि आया था, तो आपके साथ एक वीडियो शेयर कर देता हूँ मैं। तो भाई अभी मैंने कुछ दिन पहले ही आपके साथ एक न्यूज़ शेयर की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हरम शरीफ में एक वाकया, खूबसूरत वाकया पेश आया था, जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड जो कि हरम शरीफ के अंदर होते हैं, उस बंदे ने अपनी छत वाली जो छतरी होती है यानी कि छांव के लिए उन लोगों ने रखी होती है, ज़ाहिर सी बात है उनका काम होना होता है वहाँ पर खड़े होना। तो एक दूसरे बंदे ने जो कि उम्रे के लिए तवाफ़ कर रखा था, तो उसने मांगी थी तो उसने उसे दे दी थी। तो उसके साथ फैमिली थी, बच्चे थे, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा वाकया था, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह इसी बात के ऊपर अमीर मक्का की तरफ से, जी मेरे भाई, यहाँ पर मैं आपको वो वीडियो भी यानी कि दिखानी शुरू कर चुका हूँ, खालिद अल फैसल की तरफ से अमीर मक्का है जो उनकी तरफ से उस सिक्योरिटी गार्ड को, जिसका नाम फयाज अल गामदी बताया जा रखा है, उसको एक इनाम से नवाजा है। अच्छा, ये न्यूज़ भी सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वायरल हो रखी है। एक तो उसे भाई वो एक दी गई है, गोल्ड की होती है, वो गोल्ड सी प्लेट सी, उसे ये शोरूम के लिए यानी कि घर में सजावट के लिए, एक डेकोर के लिए भी रखते हैं, और वो गोल्ड की होती है बाकायदा, अच्छा खासा उसका रेट होता है, और दूसरी एक नकद रकम भी दी है नीचे एक लफाफे में बंद। अच्छा, इस न्यूज़ में कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि कितने हज़ार या कितने लाख रियाल दिए गए हैं, या ये नहीं बताया गया कि वो गोल्ड की यानी कि कितने ग्राम की थी वो जो प्लेट वगैरह थी, ये नहीं तौर पर बताया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस बंदे को उसके उस अमल के बरक्स अमीर मक्का की तरफ से एक काफ़ी बड़ी रकम और एक काफ़ी बड़े खूबसूरत गोल्ड प्लेट से नवाजा गया है। एक अच्छी चीज़ है सऊदी अरेबिया में, जैसा कि दुबई में एक बिल्ली का वाकया पेश आया था, उसके बाद ये एक वाकया मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं जब ये खुद वीडियो देख रहा था, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा था कि ये बंदा भाई बिल्कुल इनाम के हकदार था।